कैबिनेट मंत्री दे वल्लों सरवण सिंह फिलौर ने अपना अस्तीफा सौंप दिता है। दसदे कि कुछ देर पहला ही उन्होंने वालों अपना अस्तीफा दिता गया है। सैर सपाटा मंत्री भी रहे ने सरवण सिंह फिलौर। नशा तस्करी दे विच सरवण सिंह फिलौर दे बेटे दमनवीर सिंह दा नाम जदों तो सामने आया सी तां ईडी दे वल्लों इस मामले की जांच की जा रही सी। ईडी दे वल्लों जांच इस मामले की तेज़ कर दी गई सी, जिसनों लैके चुनी लाल गाबा का नाम भी सामने आया सी। चुनी लाल गाबा दमनवीर के काफ़ी करीबी दसे जाते सन। तो सरवण सिंह फिलौर के उत्ते इस तो पहला कि शिकंजा कसया जाता। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के वलों उन्होंने नैतिकता के आधार के उत्ते अपना अस्तीफा अज दे दिता है। सरवण सिंह फिलौर के बेटे दमनवीर का नाम इस नशा तस्करी मामले के उजागर होया सी। दस दिए कि इस नशा तस्करी मामले के जगदीश भोला के वलों कैबिनेट मंत्रियों के नाम लिते गए सन। तो कैबिनेट मंत्रियों के नाम जदों लिते गए सी तां उस दौरान विक्रम सिंह मजीठिया का नाम सब तो पहला जगदीश भोला के वलों लिता गया सी। हालांकि जगदीश भोला के वलों विक्रम सिंह मजीठिया का नाम लैन तो बाद दमनवीर का नाम लिता गया सी, जिस तो बाद तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर का नाम अजे लेना ही सी जगदीश भोला ने, पर मीडिया तो दूरी बना के रखी गई है। कहा जा रहा है कि जगदीश भोला उस तो बाद मीडिया तो दूर रखा गया ताकि वह तीसरे मंत्री का नाम ना लैदे। उस तो बाद जदों का यह मामला पख्या तो अज सरवण सिंह फिलौर ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। जेल से सैर सपाटा मंत्री से सरवण सिंह फिलौर। साढ़े नाल साढ़े पत्रकार इस खबर से ज़्यादा जानकारी लई जुड़ चुके हैं सरबजीत सिंह। सरबजीत, सब तो पहला तो दमनवीर का नाम बहुत पहला ही इस मामले के उजागर हो चुका सी, तो अस्तीफा इन्नी लेट क्यों दिता गया अज जेल मंत्री के वलों, इसका कारण की मना जा सकता है? दमनवीर जिहड़ा हैगा है वह शुरू तो ही चर्चा से, क्योंकि जो ड्रग पैडलर सीगा जगदीश भोला पंजाब दे विच सब तो वड्डा नाम सी, उन्होंने वालों दो मिनिस्टर का नाम लिया गया सीगा। पहला उन्होंने दस्या गया सीगा कि मालवे का है, माफ करना दुआबे का हैगा और माझे का हैगा। जो माझे दे विच जो नाम हालांकि उन्होंने डायरैक्टली नहीं लिया सी, पर उस तो बाद दमनवीर का नाम आया। दमनवीर का नाम किस तरीके नाल आया, क्योंकि चुन्नी लाल गाबा जो कि फलौर फैमिली के बहुत क्लोज है, उन्होंने फैक्ट्रियां है बद्दी के जो कि मैडिकल दवाइया की फैक्ट्रियां है, उस फैक्ट्रियां जो कि कह सकते हैं कि आइस ड्रग्स नू जिहड़ा कन्वर्ट करके बाहर भेजा जाता है। इनफोर्समेंट विंग जिहड़ा हैगा है इस पूरे मामले की जिहड़ी जांच कर रहा है ईडी, उहदा उस वल्लों जो तहकीकात की जा रही है सिर्फ इस तरीके नाल की जा रही है, क्योंकि जो फॉरन तो पैसा इनवॉल्वमेंट होया हैगा उस पैसे का लेन देन जो हो रहा है उसकी जांच की गई है। उसे मामले नू लैके जो है दमनवीर नू जो है समन किए गए सन फरवरी के बीच, पर उस वक्त दमनवीर जिहड़ा हैगा सीगा वह भज के दुबई चला गया। उस तो बाद मार्च महीने के विच वापस भी आया, हाले तक वह ईडी के सामने पेश नहीं है। हालांकि ईडी का जिहड़ा रोल है इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ईडी इस पूरे मामले की सिर्फ जो विदेशी करंसी ये इनवॉल्वमेंट है, जो विदेशी पैसा ये लेन देन हो रहा है, उस मामले की जिहड़ी है तहकीकात कर रही हैगी। दूसरी गल ये कि जिस तरीके दमनवीर हजे तक पूरे मामले पेश नहीं होए, चुनी लाल गाबा भी पेश नहीं होए। चुनी लाल गाबा की अगर गल करिए एक बिजनेसमैन है, हालांकि एक जो कह सकते हैं कि दिल्ली का जो है राजा का नाम आया सीगा उसकी जी आपस मेल करवाया सीगा वह दमनवीर ने ही करवाया सी, क्योंकि जो राजा सीगा वह पटियाला जेल च बंद सन और उस तो बाद जिहड़ा हैगा वह ड्रग्स के कारोबार के लिप्त सीगा। चुनी लाल गाबा के संपर्क आने तो बाद जिहड़ा हैगा है बद्दी दे विच जो जो इन्वेस्टिगेशन की गई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सीगा जो बद्दी दे विच जो फैक्ट्री हैगी है गाबा की उस विचों भी आइस ड्रग्स जिहड़ा हैगा है वह बरामद किया गया और उसे नू जो है ड्रग्स हैगा वह बाहर भेजा जाता सी कन्वर्ट करके अनूप सिंह कालों उन्होंने अगे कह सकते हैं कि बाहर सप्लाई करता सी कैनेडा दे विच। हालांकि पूरे मामले की अगर तहकीकात की जाए 600 करोड़ का पूरा घोटाला हैगा, इहदी जिहड़ी जड़ां हैगियां ने या ये फैलिया कित्थों तक होया वा वह यूरोप तो लैके कैनेडा अमेरिका या मिडल ईस्ट तक सारे पास फैलिया होया, इस करके जिहड़ी ईडी इहदी खास तौर पर तहकीकात कर रही है। पर जिस तरीके नाल पंजाब दे दो मंत्रियों का नाम इहदे विच आया हैगा है और हाल ही दे विच जिहड़ियां चोणां होईयां ने इन्हां चोणां दौरान भी सामने गल आई है कि ड्रग्स नूं लैके लोकां दे विच गुस्सा सी और उसे दे चलदे होए सरवण सिंह फिलौर ने अज जिहड़ा हैगा नैतिकता दे आधार ते अस्तीफा दित्ता है। सरबजीत, मेरा सवाल यही सी, मैं यही जानना चाहती सी तुहाडे कोलों कि आखिरकार इन्नी लेट अस्तीफा क्यों दिता गया और अस्तीफा किसनूं सौंपिया गया? देखो जिस वक्त दमनवीर का नाम आया सीगा, सरवण सिंह फिलौर का नाम आया सीगा, उस वक्त जो फरवरी की गल है 28 फरवरी के आसपास की एक घटना हैगी है, उस वक्त भी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादलों जो पत्रकारों ने सवाल पूछा सी तो उन्होंने सिर्फ यही कहा सीगा कि हाँ उन्होंने भी मीडिया के हवाले नाल एक खबर आई हैगी, बाकी कानून अपना काम जरूर कर रहा हैगा। पर जो इस बार चोणा हुई ने खास तौर पर जलंधर अगर सीट की गल करिए कि उसे दे विच यह हल्का आंदा हैगा है करतारपुर उसे तो जिते हैगे ने सरवण सिंह फिलौर विधायक के तौर पर, उस जगह पर जो पवन कुमार टीनू सन वो इस बारी हारे हैगे ने। हालांकि ड्रग्स नू लैके इसे मामले नू लैके पूरे दुआबे दे विच अगर गल करी जावे तो वह सीट जिहड़ी काफ़ी अहम सीगी और उसे दे चलदिआं होया उस सीट दे उत्ते निराशाजनक हार होई है।
प्रैशर जरूर हैगा पार्टी के उत्ते क्योंकि ज चोणों के पार्टी जो उम्मीद से उस उम्मीद के मुताबिक लोगों का रुझान नहीं मिले और उसी चलद्या होया प्रैशर जरूर है। स्वर्ण सिंह फलौर ने इसी चलद्या जोड़ा है और खास तौर पर उन्होंने यही गल सामने आ रही है कि जो नैतिकता के आधार पर जो ड्रग पूरे मामले के उन्होंने नाम आ रहा है उस मामले के चलते उन्होंने अज अपने अहदे तो अस्तीफा दिता है। सरबजीत सरबजीत जो चर्चा हो रही थी कि जो फलौर की सीट है उस तो जिस तुम दस रहे हो कि पवन कुमार टीनू की हार हुई है कि उसकी जिम्मेवारी भी जिस तरह सरवण सिंह फलौर के उत्ते ज़्यादा तो ज़्यादा जा रही थी कि वह भी मामला जोड़ के देखा जा सकता है इस अस्तीफे का कारण। देखो अगर पूरी पूरे मामले की तहकीकात की जाए तो दुआबा सीट की अगर गल करते हैं तो जलंधर सीट काफ़ी अहम सी, पहला भी उतो कांग्रेस का कब्जा रहा और इस बार पवन कुमार टीनू उतो उतारे गए क्योंकि उन्होंने काफ़ी जन आधार है जिस तरीके ना पूरे पंजाब ना सिर्फ जलंधर बाकी पूरे पंजाब दे विच लोकां दे विच ड्रग्स नू लैके गुस्सा है रोस सीगा और उस दे चलदिआं पंजाब दे विच एक बड़ा मुद्दा बनाया गया आम आदमी पार्टी वालों उस पार्टी नू चार सीटां इतों पंजाब चों मिलियां हैगियां ने किते ना किते जाके एक तरह नाल प्रैशर चे और ईडी लगातार शिकंजा कसदी जा रही है। हाल ही के जो रिपोर्टा आईया मुताबिक इस भी ईडी इस केस के बहुत ज़्यादा नेड़े पहुँच गई है और उसी के चलद्या शायद अगर ईडी ने पूरी तरीके शिकंजा कस लिया तो फिर ज़्यादा सरकार की किरकिरी होनी सी उस तो पहला ही कह सकते हैं कि उन्होंने नैतिकता का आधार मान के अज यह इस्तीफा दे दिता। सर अभी तो आने वाले दिनों के इस तरह के अस्तीफे होर भी आ सकते हैं क्योंकि दो कारण तुम इस वेले दस रहे हो, एक था कारण नशा तस्करी का मामला जिस मोहरी होकर नाम सामने आया से दमनवीर सिंह का जो कि जेल मंत्री के बेटे ने, दूजा के पवन कुमार टीनू की जिस तरह फिलौर की सीट तो हार का सामना करना पाया वह भी कितने ना कि जिम्मेवारी सरवण सिंह फिलौर में ही सौंपी गई थी वह भी हार का सी कारण कह सकते हैं। इन्होंने दोनों मामलों को देखते हुए अगे होर अस्तीफे दिए जा सकते हैं क्योंकि पंजाब सरकार के वालों हार के कारण जिन्ह सीटा तो पंजाब सरकार हारी है उन्होंने सीटा हार के कारण जानने के लिए तीन मैंबर एक कमेटी बनाई गई थी सो कहा जा सकता अगे अस्तीफे होर भी आ सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके कोर कमेटी की मीटिंग हुई सी चंडीगढ़ दे विच उस मीटिंग दे विच तमाम मुद्दे विचारे गए हैं और उन्होंने मुद्दों उत्ते चर्चा की गई कि आखिरकार पंजाब दे विचों पार्टी नूं इन्ना कह सकते हैं निराशाजनक प्रदर्शन क्यों होया लोग क्यों गुस्से दे विच हन तो उन्होंने दो मुद्दे सब तो अहम से उन्होंने एक ड्रग सीगा कि ड्रग्स नूं लैके पंजाब दे लोकां विच काफ़ी रोस है और दूजा सीगा माइनिंग्स ये दोनों कामों के पंजाब दियां जो एडवोकेट जनरल वालों भी रिपोर्ट भी सबमिट की उस खास तौर पर इनवॉल्वमेंट दिखाई गई है कि जो पुलिस है और दूजे पास ब्यूरोक्रेट्स और राजनीति नेतावान की इन्ह तिना नेतावान तिना विंगा वालों जो एक नैक्सस चल रहा पंजाब दे विच उसी के मद्देनज़र ये रिपोर्ट पेश की गई थी। एक बहुत बड़ा इशू हैगा आ जिस तरीके जगदीप सिंह भोला ने नाम लिया सी कि इस पूरे मामले की जी है सीबीआई तो जांच कराई जाए और दो मंत्रियों के नाम उन्होंने खुलेआम लिया सी एक माझे तो और एक दुआबे तो और दुआबे के मंत्री वालों अज जो है अस्तीफा दिता गया। देखना यह होगा कि माझे के मंत्री के उत्ते किस तरीके का प्रैशर है इस रिजाइन तो बाद।